News 18, India. इस दौरान मैं आपको तस्वीरें भी दिखाता हुआ चलूं कि किस तरीके से यहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। तो डीजी साहब का साफ तौर पर यह कहना है कि यहां पर गृह सचिव आए थे, इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में एक दिन पहले, यानी कि पहले ही दिन जब पट खुले राम दरबार के, उस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आना पड़ा और तमाम जो क्राउड मैनेजमेंट को लेकर बैठकें बुलाई आला अधिकारियों की, उसके बाद आज पूरी तरीके से ये क्राउड मैनेजमेंट चुस्त दुरुस्त कर दिया गया है। ये देखें उत्तर प्रदेश की पुलिस है और ये देखें जब मंदिर के, अब मंदिर के एंट्री करते हैं मेन रोड से, वहाँ की तस्वीर है। ये सबसे पहला गेट है, मंदिर का सबसे पहला गेट है जहाँ पर यह सुरक्षा घेरा है और यहाँ पर एंट्री करने के लिए दोनों ही तरफ पुलिस की कतार है और इन कतारों के बीच जो श्रद्धालु हैं एक एक करके अंदर जा रहे हैं। यानी कि एक दिन पहले का आपने जो भीड़ भाड़ की स्थिति देखी थी, तस्वीरें देखी थी न्यूज 18 इंडिया के जरिए, सुरक्षा घेरा भी एक बार में टूट गया था, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हो रहे हैं। कुछ देर तक लोगों को इंतज़ार ज़रूर करना पड़ रहा है, लाइन में ज़रूर खड़ा होना पड़ रहा है, लेकिन क्योंकि 500 साल का जब इंतज़ार किया तो ये जो इंतज़ार है घंटा, दो घंटा, तीन घंटा, ये उसके आगे कुछ भी नहीं है। दर्शन करने के लिए देखे, चाहे वो दिल्ली से लेकर, उत्तर प्रदेश से लेकर, चाहे तमिलनाडु से लेकर कन्याकुमारी और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के यहाँ पर श्रद्धालु आपको दिख जाएंगे। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों के नहीं है, अलग अलग इलाकों से आए हैं। तो ये देखिए श्रद्धालुओं की भीड़ और उनका जोश, उनका जुनून, रैपिड एक्शन फोर्स भी गेट के बाहर, रैपिड एक्शन फोर्स बड़ी संख्या में तैनात की गई है और जैसा कि मुख्यमंत्री ने आदेश दिया उसके बाद आज सब कुछ मैनेज तरीके से दिख रहा है। तस्वीरों में आप देखिए जोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। खुद मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाला और उसका असर दिख रहा है। जब मुखिया खुद आते हैं और ऑर्डर देते हैं, आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं, तो उसका असर ग्राउंड लेवल पर पूरी तरीके से दिखता है। क्योंकि देखे दो दिन पहले ही प्राण प्रतिष्ठा हुई 22 तारीख को, लेकिन 23 तारीख को जब दर्शन के लिए कपाट खुले उसके बाद भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसका अंदेशा भी नहीं था कि इतनी ज्यादा भीड़ आ जाएगी और ये भी नहीं पता था कि जो सुरक्षा घेरा टूट जाएगा, लेकिन जब मुख्यमंत्री खुद आते हैं, स्थिति को देखते हुए, संभालते हुए आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं अधिकारियों को, अब सीनियर अधिकारियों की मौजूदगी में दर्शन हो रहा है। क्योंकि सरकार को ये पता है कि शुरुआती कुछ दिन इसी तरीके की स्थिति बनी रहेगी, लंबी कतारों में लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, इसलिए सरकार की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से लगातार ये अपील की गई थी कि आप धीरे धीरे करके आइए, जल्दबाजी में मत आइए, दर्शन के लिए सबको मौका दिया जाएगा, सब लोग आराम से दर्शन करेंगे, परिवार के साथ आइए, भीड़ में बहुत ज्यादा आने की जरूरत नहीं है। ये नहीं है कि आप अगर आज नहीं आए तो कल नहीं आ पाएंगे, क्योंकि रामलला तो विराजमान ही हो गए हैं। बाबा जी कहाँ से आए हैं? गुजरात से आए बाबा जी। गुजरात से? हाँ। तो कितने लोग हैं आपके साथ? हम लोग दो लोग हैं और बहुत आदमी है हमारे साथ। कब आना हुआ, आज ही आए हैं क्या? नहीं, हमको दो तीन दिन हो गया, कल से। तो कल दर्शन करने के लिए नहीं मिला कल दर्शन नहीं मिला। आज तो हो जाएंगे? आज हो जाएंगे। कितने देर से खड़े? राम की कृपा से भाई, सबका जो जन्म हमारा। गुजरात से आए हैं? गुजरात से आए हैं। इसके पहले मैंने जम्मू कश्मीर के जो तमाम दर्शकों से, कहाँ से भैया? हाँ, हैदराबाद से। आगे चलते रहिए। हैदराबाद से आए हम लोग। हाँ। हम लोग एक महीने से इंतजार कर रहे हैं राम जी का मंदिर का दर्शन के लिए। हाँ। जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से हूँ मैं। तो देखिए आप भैया कहाँ से? मैं गुजरात से। चलते रहिए, चलते रहिए। अच्छा, आप कहाँ? चलते रहिए। खुलते गुजरात से। गुजरात के बहुत लोग हैं? अरे भरूच से हैं, गुजरात से बहुत लोग आए जी। ये देखिए हर उम्र के लोग, हर तबके के लोग यहाँ पर। आप कहाँ से हैं? उड़ीसा से। आप आसाम? गुजरात, उड़ीसा, आसाम, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु, कोई भी प्रदेश आप गिना लीजिए कि देखिए कितने कितने दूर से आए हैं लोग दर्शन करने के लिए। अरे अमेरिका से भी आए, अमेरिका से। आप कहाँ से? जयपुर से आए, राजस्थान। जयपुर से? हाँ जी। कितना देर हुआ खड़े हुए? अभी लगा ही हूँ, 10 मिनट हुआ है। अच्छा, लंबी लाइन है अभी? कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोग हैं साथ में? दो लोग हैं। दो लोग ये भी है साथ में? हाँ, साथ में। क्या काम करते हो? मैं तो स्टूडेंट हूँ, अभी फ्रेशर हूँ। तो पढ़ाई नहीं चल रही अभी? पढ़ाई चल रही है, पर राम मंदिर भी तो है। अच्छा,
अच्छा, मंदिर के दर्शन करना जरूरी है ना? आप कहाँ से? यूपी बुलंदशहर से हूँ। बुलंदशहर से? हाँ जी। तो यहीं पे अयोध्या में रहते हो? नहीं, दर्शन के लिए आए? दर्शन के लिए आए थे 20 तारीख में। अच्छा, हाँ जी। तो आज तो सौभाग्य मिल जाएगा। बिल्कुल 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 सौभाग्य मिलेगा। ये देखिए, एक बार और भी भीड़ दिखाऊं कि इतनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पर श्रद्धालुओं की कि आप गिनती नहीं कर पाएंगे। अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ है, लेकिन प्रशासन की तरफ से पहले दिन 5 लाख लोगों ने दर्शन किया, ऐसा अनुमान लगाया गया। और देखिए, ये तो कितनी ज्यादा भीड़ है, शायद ये अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन तक भीड़ होगी शायद। ये देखिए, आप कहाँ से आप लोग? टीकमगढ़। अच्छा, हाँ। तो कैसा लग रहा है अयोध्या के? अयोध्या के कैसा लग रहा है? अच्छा, बढ़िया। अच्छा, आप कहाँ से? मैं गाजियाबाद से आया। थोड़ा चलते रहिए। जय श्री राम। कितने लोग हैं? कितने लोग? 4 लोग आए हैं गाजियाबाद से। हाँ, प्रभु श्री राम की कृपा हम पर है। हम सदैव साथ में है। ये मेरा बेटा है। बेटा अंगद नाम है इसका। अंगद नाम? तो पढ़ाई भी करते हो अंगद? हाँ जी, बिल्कुल। क्लास में? 10th में हूँ जी। एग्जाम हो गया? पेपर छोड़ गया। पेपर छोड़ गया हूँ आज। पेपर छोड़ दिया? रिबोर्ड के लिए। फेल हो जाओगे तो? ऐसे नहीं होंगे, नहीं होते। रिबोर्ड तो आगे चलते रहिए। ये देखिए, हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं। छत्तीसगढ़ चलते रहिए, रुकिए मत। छत्तीसगढ़ से आए हैं बहुत हम लोग। उसके मामा है हम लोग। प्रभु की कृपा है, वो सब काजू जन्म मास बल बाजू। इस मंदिर से बड़ा और कोई काम है? आप भगवान की पुनर्प्रतिष्ठा होकर के विश्व में हिंदुत्व की पुनर्प्रतिष्ठा हुई है। प्रभु कहाँ से हैं? मैं बाराबंकी से आया हूँ। बाराबंकी से जी। अच्छा, कौ कितने लोग हैं साथ में? हम लोग सेवा में थे 1 सप्ताह से। हाँ। मंदिर की व्यवस्था में थे। हाँ। दर्शन हुए? पहले दिन दर्शन हो पाए? इतने दर्शन करें, आंखें कम रह जाती हैं। तो आज भी दर्शन? दर्शन प्रतिदिन करेंगे भाई। अच्छा, चाहे कितना भी लंबा लाइन में लगना पड़े, कुछ ना कुछ करना पड़े। वर्षों की लंबी प्रतीक्षा बलिदान के बाद संपूर्ण विश्व में ने माना है कि भारत में हिंदुत्व की स्थापना हुई है। भगवान चलते रहे 500 सालों के बाद हमारे घर आए हैं, अपने घर आए हैं, तो इसलिए हम लोगों को बहुत खुशी है। ये फूल माला कहाँ से? ये गले में? फूल माला हनुमानगढ़ी से सर। हनुमान, पहले हनुमान जी के दर्शन कर लिया? जी जी बिल्कुल। देखिए, हनुमान जी के भी दर्शन हो रहे हैं और उनके प्रभु श्री राम के भी दर्शन हो रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी संख्या में।